फेसबुक वाले प्यार की उम्र हो रही है कम, साथ ही फेसबुक वाले प्यार से सबको बचकर अब रहना चाहिए, क्योंकि फेसबुक वाले प्यार मोहब्बत की उम्र कभी थी ही नहीं, और अगर थी तो जिंदा क्यों नहीं ये दिखती है। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया है, जहां अधिकारी महोदय बेवकूफी का शिकार बन गया है। क्या है पूरा मामला आपको हम बताते हैं। आगरा में तैनात एक राज्य कर अधिकारी एक साजिश का शिकार हो गए हैं। उनसे अंडरकवर आईएएस अधिकारी बताकर फेसबुक पर एक युवती ने दोस्ती कर ली, फिर प्रेम जाल में फंसाकर उनसे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जा रहे हैं कि एक अधिकारी कैसे बेवकूफ बन गया। आपको बता दें कि उस युवती ने शादी भी कर ली, फिर बाद में अपने 4 दिन वाले पति से रुपए भी लेने लगी, और जब उसका काम पूरी तरह से पूरा हो गया तो कुछ दिन बाद घर से चली गई। वही जब अधिकारी को युवती की धोखाधड़ी का राज पता चला तो हैरान रह गए। जी हाँ, क्योंकि वह युवती इससे पहले भी कई और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसी तरह फंसा चुकी थी। वही अधिकारी ने डीसीपी सिटी से शिकायत की, मामले में थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताते चले कि मूल रूप से मैनीपुर के रहने वाले राज्य कर अधिकारी आगरा जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में तैनात है। वो जगदीशपुर क्षेत्र में रहते हैं। उनकी फेसबुक पर दोस्ती एक युवती से हुई थी। युवती ने अपना नाम कल्पना मिश्रा बताया, कहा कि वह सुल्तानपुर की रहने वाली है, अविवाहित है, अंडरकवर आईएएस ऑफिसर है। वह अविवाहित थी, इस कारण कल्पना से बातचीत अधिकारी करने लगे। दोनों शादी के लिए भी कुछ समय बाद राजी हो गए। एक दिन कल्पना ने मुलाकात की, इस दौरान कल्पना ने 70,000 रुपए की खरीदारी भी की। उसके बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। कुछ दिन रहने के बाद कल्पना चली गई। इसके बाद किसी न किसी बहाने से रुपयों की मांग करने लगी। वह लगातार उसे रुपये लाकर देने लगे। बाद में उन्हें एक दिन पता चला कि कल्पना पहले से शादीशुदा है। उसने लखनऊ के एक व्यक्ति से शादी कर रखी है और उससे अब कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। जब उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की तो उन्होंने दस्तावेज देने से मना कर दिया। यह भी सामने आया कि कल्पना खुद को मजिस्ट्रेट बताकर लोगों को मिलती है, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा कर रुपए लेती है, और इससे पहले उसने कई एडिशनल एसपी को भी प्रेम जाल में फंसा लिया था, खुद को हाथरस में तैनात बताया था। वहीं जब इस फर्जीवाड़े का पता चलने पर राज्य कर अधिकारी परेशान हो गए तो उन्होंने डीसीपी सिटी से शिकायत की। उनके आदेश पर थाना जगदीशपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको हमारी खबर कैसा लगा, इस पर आपका क्या विचार है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार साझा करें। शुक्रिया।